सर्वप्रथम सभी को मेरा जय हिंद प्रणाम। आज मैं आप सभी लोगों के सामने, जो लोग योग के क्षेत्र में हैं या शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में हैं या नहीं भी हैं, आप सभी लोगों के लिए अत्यंत गंभीर बातों को आपके सामने रखने जा रहा हूं। आज का समय या कहें गंभीर समस्या के बारे में, यह समय COVID-19 अर्थात पेंडेमिक का समय है। आज का विषय या कहें गंभीर समस्या के बारे में आप सभी लोगों के सामने COVID-19 जो कि पेंडेमिक के समय अत्यंत गंभीर एवं बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं, जिसमें मुझे केवल आप सभी लोगों का साथ एवं सहयोग चाहिए और मुझे पता है कि आप मेरा साथ अवश्य ही देंगे। जिसमें भी कुछ नकारात्मक या अन्य लोगों की नकारात्मक विचारधारा भी सामने आएगी, फिर भी यदि आप में जरा भी जागरूकता या जिंदा दिल हो तो आप सभी अपने हृदय पर हाथ रख के जरूर गौर करिएगा कि क्या ये नहीं होना चाहिए तो क्यों, और होना चाहिए तो अभी तक क्यों नहीं हुआ। मेरे आज के विषय में हर एक बिंदु में सभी का भला एवं समाज की प्रगति छिपी है, बस मैं उन्हीं बिंदुओं को आप सभी के सामने, समाज के सामने लाना चाहता हूँ। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, जिससे हर एक बिंदु आपको समझ में आएगा। मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स नॉलेज हब में। दोस्तों, यह दौर है COVID-19 का, पेंडेमिक का, जिसमें सरकार ने 2 गज दूरी मास्क है जरूरी और या कहें फिजिकल डिस्टेंस को जरूरी बोला है। साथ ही साथ अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए योग को प्राथमिकता भी दी गई है। चाहे वह भारत सरकार हो या किसी भी डॉक्टर के द्वारा, आप योग की प्राथमिकता को अवश्य ही पाएंगे। तो दोस्तों, पेंडेमिक में किसकी प्राथमिकता दी गई है? योग की। तो आप सभी बताएं, जब COVID-19 जैसी पेंडेमिक गंभीर समस्या जब सामने आती है या जब 21 जून अर्थात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है, तब ही योग को क्यों जरूरी माना जाता है या योग को जरूरी दिखाया जाता है? यह बीच बीच में इतना जरूरी क्यों नहीं दिखाई देता है? यदि हम इसे रोजाना की दिनचर्या में शामिल कर लें तो हम कभी भी बीमार नहीं हो सकते हैं। जब भी किसी भी व्यक्ति ने योग की बातों को उठाया है तो कोई ना कोई कारण बताकर या किसी ना किसी कारणवश योग की बातों को दबा दिया जाता है, या कहें समाज में व्याप्त नकारात्मक तत्वों के द्वारा इस पर नकारात्मक व्यंग्य भी प्राप्त होता है। जब योग इतना ही जरूरी है जिसकी सहायता से इम्यूनिटी पावर को बढ़ाया जाता है और मानव इसके द्वारा स्वस्थ भी रहता है, और हमें ज्ञात भी है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू जी भी इसे करते भी हैं, और अपने भारतवर्ष में इसका बहुत महत्व भी है और इसे केवल नाम पर खेलों में जोड़ा गया है। हमारे खेल मंत्री माननीय किरण रिजिजू जी ने खेलो इंडिया एप्लीकेशन लॉन्च तो किया है, जिसमें योग का कोई स्थान या अता पता नहीं है, और इसी के साथ ही साथ खेलों को सरकारी नौकरियों में भी वरीयता दी जाती है, जबकि योग को क्यों नहीं? क्या इसी प्रकार से भारत को योग गुरु बनाना चाह रहे हैं? आप ही बताएं, क्या इस प्रकार से संभव है? आज के विषय में हमारी पहली बात तो ये है, और दूसरी बात, योग को न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कंपलसरी तो कर दिया गया है, पर योग को सिखाने के लिए, योग की प्रैक्टिस कराने के लिए, योगाभ्यास कराने के लिए योग की शिक्षक कहाँ है, और इनकी भर्ती अभी तक क्यों नहीं की गई है, या शारीरिक शिक्षा के टीचरों की भर्ती अभी तक क्यों नहीं की गई है? योग जो कि योग एवं शारीरिक शिक्षा अर्थात फिजिकल एजुकेशन में मुख्य विषय भी होता है, जिस पर समाज में व्याप्त कुछ नकारात्मक तत्व नकारात्मक व्यंग भी करते हैं कि PTI टीचर अर्थात शारीरिक शिक्षा के टीचर PTI के साथ योग कराते हैं, क्या योग करा सकते हैं? जबकि आज तक अधिकतर प्राइवेट स्कूलों में PTI टीचर ही योग कराता है और प्राइवेट स्कूलों में योग करा भी रहे हैं, क्योंकि BPED और MPED दोनों में ही योग एक मुख्य विषय के रूप में है। फिर भी लोग व्यर्थ की तर्क करते हैं कि पीटीआई शिक्षक योग कराएंगे, ऐसी बात। वे सभी यह नहीं सोचते हैं कि चलो किसी ने योग की बात को कम से कम गंभीरता से लिया और उसे सकारात्मक भावों के साथ हम सभी के बीच में रखा। इस समाज में हम जैसे तमाम योगी हैं जो योग को बढ़ावा देना चाहते हैं और योग को बढ़ा भी रहे हैं, परंतु समाज में व्याप्त कुछ अराजक तत्व नकारात्मक व्यंग करते हैं या इस पे गंदी राजनीति भी करते हैं,
और कुछ लोगों की नकारात्मक सोच भी इस पंक्ति को नकारात्मक तरीके से ही देखते हैं। और इसी में ही दूसरी बात यह भी है कि कोविड-19 के दौरान अर्थात पेंडेमिक के दौरान जो लोग BPH, MPH और योग में सर्टिफाइड भी नहीं है वह लोग भी योग करा रहे हैं और उसमें से ज्यादातर लोग गलत तरीकों से योगाभ्यास कराते रहते हैं, जिससे हमारे क्षेत्र में कार्य कर रहे तमाम महान व्यक्तित्व वाले लोगों की भी छवि धूमिल होती है। इस प्रकार के तमाम मुद्दों को मैं आपके सामने रख रहा हूं और समय समय पर रखता भी रहूंगा। और मैंने स्वयं कुछ सर्वे में भी पता किया है कि कुछ लोग बोलते हैं या कुछ लोगों का मानना है कि एक साल से कोरोना चल रहा था, फिर पंचायती चुनाव चला, तो भाइयों अब तो पंचायती चुनाव भी खत्म हो गया है। दोस्तों, जब एक स्कूल के माध्यम से अर्थात स्कूल के द्वारा पूरे वर्ष का कार्यक्रम तय होता है कि कब कौन कौन से कार्यक्रम कराने हैं, कब कौन सी परीक्षाएं करानी है और कब उनके रिजल्ट हमें घोषित करना है, तब तो ये सरकार है, इन्हें हमसे और आपसे भी पहले सोचना चाहिए कि कब हमें कार्य कराने हैं। इनकी रूपरेखा पहले ही निर्धारित की जानी चाहिए। हमारे कहने का तात्पर्य है कि नई शिक्षा नीति दे तो दी है और लागू भी कर दी गई है, पर इनमें हमारे शिक्षक कहाँ हैं, योग शिक्षक कहाँ हैं, हमारे सारी शिक्षा के शिक्षक कहाँ हैं। और भर्ती भी निकलती है तो कुछ विषयों की, वो भी कुछ गिनी चुनी भर्ती ही निकलती है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और अपने विचार आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आपका विचार क्या है। आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि इस विषय पर आप अपने सकारात्मक विचार के साथ विचार अवश्य करें और अपने विचार आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज की इस विषय से संबंधित एक भी यदि सकारात्मक विचार हमें प्राप्त होता है तो मैं इसी विषय पर पुनः से विचार रखूंगा। और मेरी बातें आप सभी तक सकारात्मक विचारों के साथ पहुंची हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ मैं हिमांशु वर्मा आप सभी से विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को गौर से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।